हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम अपने गांव के जंगल की ओर आए हुए हैं। आज यहां का मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा, जो आप लोग भी देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जो आप मेरे पीछे की ओर जो देख रहे हैं, ये सब पारस के पेड़ हैं, जो फ़िलहाल सब पत्ते झड़ चुके हैं, कुछ कुछ फूल लगे हुए हैं पतझड़ के मौसम की वजह से। तो मैं आपको इस तरह के बहुत सारे दिखाऊँगा, जो तरह तरह के पेड़ हैं इधर। और ये रास्ता गया हुआ है हमारे जंगल की ओर से, हमारे गांव से जंगल की ओर जो रास्ता जाता है, ये जंगल का रास्ता है। और इस रास्ते से ऊपर में एक दूसरा गांव है जो दिखाई देता है, इसका नाम देखिए, ये सब पेड़ हैं और ये रास्ता गई हुई है। ये सब हमारे गांव के सभी जानवर हैं जो खेत की ओर चढ़ने के लिए आए हुए हैं, जो देख रहे होंगे, जो बहुत सारे जानवर हैं। और लोग इधर गन्ने की फसल को काट रहे हैं। ये देखिए, जानवर आवाज़ें कर रही है, तो देख सकते हैं। और ये बांस का पेड़ लगा हुआ है, जो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। हमारे गांव बगल के गांव के रोहित भाई हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो फिलहाल अभी स्कूल की ओर जा रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनका भी एक क्लिप ले लूँ, जो आप लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों, तो हाय करो भाई मेरे। हाय, बढ़िया से। हाय फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारे रोहित सर हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, फिलहाल अपने घर से अभी स्कूल की ओर जा रहे थे ना। हाँ। चलिए ठीक है सर, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और तरह तरह के आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं जंगल से होते हुए अपने खेत की ओर आ गए हैं, जो इधर हमारा खेत है और जंगल में। तो चलिए आगे दिखाते हैं। जंगल की ओर से बगल से नदी गुजरी हुई है, छोटा सा नाला का तरह, लेकिन बहुत पानी जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी कम है। यहाँ का जो जंगल का जो वातावरण होता है, जो बहुत ही शांत होता है, और इस वातावरण में आपको सिर्फ पंछियों की आवाज़ सुनाई देंगे। आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए, तरह तरह की चिड़ियाँ, तरह तरह की पंछियाँ की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब हमारे फैमिली का या हम लोगों का खेत है, जो जंगल के बीचों बीच में है, जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ अभी फ़िलहाल फसल नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये यहाँ पर सिर्फ धान की खेती करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे जो नदी जो आपको बता रहे थे, छोटा सा नाला जो बहती है हमारे खेत के बगल से, जो आप देखिए, ये जो नाला में फ़िलहाल अभी पानी की बहाव नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो जिसकी वजह से अभी हम लोग सिर्फ धान की खेती करते हैं। तो यहाँ हम लोग का इस खेत के बगल में हम लोग एक देवता को पूजते हैं, जिनका ये फ़ोटो है जो आप देखिए, क्योंकि ये हमारे खेत की रखवाली करते हैं। हमारे यहाँ के देवता महाराज हैं, जो हमारे खेत की फसल करते हैं, रखवाली करते हैं। हम इनके यहाँ पूजा करते हैं जब हम फसल काटते हैं, तो फसल काटने के बाद या फसल काटने के पहले हम पूजा कर लेते हैं इनका, ताकि हमारा फसल भी सही सलामत हो। ये जंगल है, यहाँ बहुत तरह के सांप वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन इनकी कृपा से किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ है, और ये बचाते हैं और हम लोगों का ख्याल भी रखते हैं। तो देखिए, ये जंगल, ये पेड़ हैं, और ये सब जो खेत जो पड़ती दिखाई दे रहे हैं, जो खाली खेत हैं, इसे पूरा खेत हम ही लोग का है। और चारों तरफ देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। दोस्तों, मैं एक जानवर देखा फिलहाल, वो जैकल था, जो मुझे देखते ही वो भाग गया। तो मैं थोड़ा सा शूट किया हूँ अपने कैमरे में, जो मेरा इस पास कैमरा है, इसमें शूट किया हूँ। अगर यदि अच्छा यदि आएगा तो मैं डाल दूँगा। और देखिए, ये नदी में क्रॉस कर रहा था मैं, छोटा सा जो नाला है, जो फ़िलहाल पानी की मात्रा तो कम है। देखिए, ये जो है, देखिए यहाँ पर काई लगी हुई है, ये पानी में काई लगा हुआ है। चलिए, तो देखते हैं उस जैकल की फ़ोटो खींचता हूँ। तो जानवर तो भाग गया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चलिए, अब मैं कुछ और कुछ देखता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, मैं फ़िलहाल आया था जंगल में ब्लॉग शूट करने के लिए, इसलिए कि बहुत सारे जानवर जो छोटे छोटे निकलते हैं जंगल में, मैं सोच रहा था कि मैं उसका क्लिप कुछ करके आपको दिखाऊं।